सीरियल रिश्ता लिखेंगे हम नया में जारी है दिया और अभय की होने वाली शादी का जश्न, जहां आज दिया के हाथों में लगाई जा रही है मेहंदी। होने वाले दूल्हे के नाम का पहला अक्षर जरूर लिखेंगे। दूल्हे का नाम बताइएगा। माता, आपने रतन सा को कहीं पर देखा? रतन मतलब है दादा हो तो? नहीं, यहाँ कौन से फोन करके देख लीजिए। ओह हो, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। दिया के हाथों में अभय की बजाय रतनदाता हुकुम का नाम लिखा गया, यानी कहानी में हो गई है ट्विस्ट की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ रतन भी अभय बन्ना के किए गए मजाक से परेशान है और यश बन्ना के सामने अपना डर जाहिर भी कर रहे हैं। यश बन्ना, अगर ये सब सच होता तो 12 साल पुरानी थी और आज की उम्र में बहुत फर्क है। कहीं अभय बन्ना को किसी और से प्यार? सोच की भी टेंशन हो रही है। सारा बेकार नहीं, सारा सोच रहा। अभय बन्ना ने सिर्फ एक उपकार किया, हम दोनों अभय बन्ना को बोल दिया भाई साहब उनके साथ ऐसा करने का। सोच रही थी। यश ने तो रतन को टेंशन नहीं लेने के लिए कह दिया, लेकिन रतन की परेशानी कम नहीं हुई और उन्होंने अपनी टेंशन जाहिर कर दी वेडिंग प्लानर के सामने। मुझे अभी वरना को प्रूफ करना होगा कि दिया किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है, इनफैक्ट उनसे भी बेटर है। कुछ ऐसा करना होगा जो अभी वरना को शॉक कर दे। दिया के बारे में जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है, एक्सपेक्टेड ही नहीं है उन्हें दिया से, कुछ ऐसा करना होगा। You know what? दिया बहुत ही सिंपल लड़की है। नो मेकओवर, नो ग्लैमर, नो ब्राइट मेकअप, नथिंग। बहुत सिंपल है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत प्रीटी, बहुत ही। बस उनमें वो लड़कियों वाली अदाएं नहीं है। और फिर वेडिंग प्लानर ने रतन को दिया कमाल का आइडिया, दिया बाईसा के मेकओवर का आइडिया। Yes, of course. दिया का हम लोग मेकओवर ऐसा करेंगे कि अभय बन्ना की नजरें जब भी उन पे जाएंगी और जब अभय बन्ना उनका ये रूप देखेंगे तो उसके बाद खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि दिया को छोड़ने के बारे में अगर सोचा भी तो लॉस उन्हीं का होगा। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि दिया अभय के साथ नहीं बल्कि रतन के साथ लिखें अपना रिश्ता नया।